पीट गए, पीछे चल रहे थे। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ जहां से परिणाम ऐसा लग रहा था, चर्चाएं ऐसी हो रही थी कि अरुण गोविल जो है इस चुनाव को शायद नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वोटिंग खत्म हुई और साहब मुंबई के लिए रवाना हो गए। लेकिन नतीजे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि अरुण गोविल पर मेरठ की जनता ने भरोसा जताया है। मेरठ क्या है, रावण का ससुराल कहा जाता है, वहां से खड़े हुए थे अरुण गोविल और वहां से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। ये बेहद बड़ा और बेहद दिलचस्प मुकाबला। कई सारी सीटें हैं जो अभी भी जहां पर काउंटिंग चल रही है, और कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि पीछे हो सकता है, कहीं बीजेपी पीछे, कहीं कांग्रेस पीछे, पर क्लियर नहीं है अभी, कुछ भी हो सकता है। और जहां पर यही हुआ, देखिए मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल ने जीत दर्ज की है और जनादेश जो है सबसे तेज, सबसे पहले न्यूज 18 पर सबसे सटीक भरोसा कीजिए, हर चीज जो है हम सटीक। मध्य प्रदेश की तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं कि मध्य प्रदेश की तस्वीर में कौन कौन कहां से जीत गया। देखिए एक एक करके आप गिनते जाइए, उधर बीजेपी, इधर कांग्रेस, और यहां पर हारे लिखा हुआ है, उधर लिखा हुआ है जीते, और एक एक करके सीट गिनते जाइए। मुरैना, मध्य प्रदेश की मुरैना बड़ी सीट, यहां पर प्रत्याशी बदलने का काम किया नरेंद्र सिंह, ये इसी सीट की बात कर रहे थे, हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, मुरैना की बात कर रहे थे। देखिए सर, शिव मंगल सिंह तोमर साहब जीत गए, वैसे ये नरेंद्र सिंह तोमर की सीट, यहां पर प्रत्याशी बदला, शिव मंगल सिंह तोमर ने जीत दर्ज की। संध्या राय भिंड की सीट, संध्या राय ने बहुत पहले सबसे कम वोटिंग परसेंटेज, अगर बात की जाए तो भिंड की सीट पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज था। फूल सिंह बरैया एमएलए थे, उनको टिकट दिया लेकिन संतोष नहीं मिल पाया यहां पर कांग्रेस को। ग्वालियर की बात कर लेते हैं, गुना की बात करते हैं, हॉट सीट है ये तो, सिंधिया यहां से मैदान में, और उम्मीदें कई सारी लगाए हुए थे, हालांकि उम्मीदों पर खरे भी उतरे, क्योंकि सभी निगाहें इस बार साख की बात थी, साख की बात है। ये तस्वीर, मुस्कुराती हुई तस्वीर जरा देख लीजिए, कितने मुस्कुरा रहे, कितनी मुस्कुराहट जो है वो नजर आ रही है, क्यों मुस्कुराहट नजर आ रही है, पिछली बार हार गए थे और इसलिए इस बार कह दिया था, अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया गया था कि भैया काम पर ध्यान दो, यहाँ पर चेहरा दिखाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार झटका लगा था, और झटके साख जो दांत पर लगी थी, खट्टे जो होकर के आए थे बीजेपी में, उस समय से ही इस चुनाव पर खास तौर पर सबकी निगाहें थी, और सबकी निगाहें दर्ज की है। ये यहां से मध्य प्रदेश के सागर की हम बात करते हैं, यहां से डॉक्टर लता वानखेड़े जीती है, साथ ही साथ इनके सामने कौन थे, चंद्रभूषण सिंह, ये हार गए हैं। एक और सीट टीकमगढ़ की रिपीट किया था वीरेंद्र कुमार, लगातार जीते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जीते रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने जीत दर्ज की टीकमगढ़ में। राहुल सिंह लोधी बनाम तरवर सिंह लोधी, ये तरवर सिंह लोधी आपको याद है, तरवर सिंह लोधी वही हैं जो बात कहते कहते प्रचार के दौरान मंच से रोने लग गए थे और जीतू पटवारी ने खूब गले लगाया था, तो ये तरवर सिंह लोधी की तस्वीर देख लीजिए, इस बार थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि नतीजे इनके पक्ष के नहीं है, अभी भी शायद गला लगाने की बारी है, फिर से गला लगाना पड़ेगा। खजुराहो का हॉट सीट, यहां से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मैदान में थे, ये जीत चुके हैं, आरबी प्रजापति इनके सामने थे और अब इन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है, लाखों के वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। और बड़ी बात यह है कि मेरी सहयोगी जो है ऋतु जो है वो वीडी शर्मा से मुलाकात करके आई थी, उनसे कैसा चुनाव कैंपेन चल रहा है सब कुछ आप बात करके आई थी, तो तब कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। हाँ, उनकी जो तैयारी में देख रही थी, दिन दिन भर वो लगे हुए थे काम में, उनके चेहरे पर थकान जो है नजर नहीं आ रही थी, बिना खाए बिना पिए जो लगे हुए थे वो काम में, वो मैंने देखा था खुद, मैंने 16 घंटे तक उनके साथ रही, एक एक जो वो सभा कर रहे हैं, जहां लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, तो वो सारी चीजों पर हमने बात की थी और देखा था उनका डेडिकेशन, बिल्कुल डेडिकेशन। और देखिए गणेश सिंह बनाम सिद्धार्थ कुशवाहा, ये विधानसभा में भी लड़े थे लेकिन हो नहीं पाया कुछ, और देखिए यूपी में 4 केंद्रीय मंत्री हार गए, बड़ी खबर, स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा, टेनी, ये हार गए हैं, इन्होंने अपनी सीट नहीं बचा पाए। महेंद्रनाथ पांडे ये भी हार चुके हैं, ये बड़े बड़े नाम अगर हार गए हैं तो सोचिए क्यों ऐसी स्थिति बनी। कौशल किशोर ये भी हार चुके हैं, ये बड़े बड़े नाम अगर हारी हुई लिस्ट में आएंगे पुनीत तो कई सारे सवाल खड़े होंगे, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। अजय मिश्रा टेनी, देखिए चार नाम आपके सामने हैं, ये केंद्रीय मंत्री चुनाव हार चुके हैं, पूरे जोश में थे, हाई जोश के साथ मैदान